आज के समय में बेटियां हवाई जहाज उड़ाने से लेकर देश की सीमा पर मोर्चा संभाल रही हैं, इसलिए लड़कियों को चाहिए कि वे अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपना भविष्य संवारें और स्वावलंबी बने। यह बातें ग्रामस्थली इंटरमीडिएट कॉलेज ककराखोर में विज्ञान प्रयोगशाला के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से स्वावलंबी बनाने का कार्य कर रहा है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जब भी इस विद्यालय को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हर तरह से सहयोग करता रहूंगा। इस अवसर पर वर्ष 2023 में इंटर 6 विज्ञान वर्ग में जिला टॉप करने वाली शिविया पांडे, जो इसी विद्यालय की छात्रा रही हैं, मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 10वीं व 12वीं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुश्री प्रज्ञा सिंह ने विद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। संरक्षक डॉक्टर रमाकांत सिंह ने आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान पिपरौली के ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव, भाजपा के मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह राही, आदर्श सिंह, प्रबंधक अभय सिंह, डॉक्टर शिखा सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, चंदबान सिंह चड्ढा, रामकृपाल तिवारी, रामकरण यादव, महिपाल शाही, कामाख्या तिवारी, मनोज सिंह सहित विद्यालय की छात्राएं और गणमान्य लोग मौजूद रहे। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे विद्यालय के संस्थापक, भाजपा के जिला कार्यकारी के सम्मानित सदस्य भाई संतोष चंद जी, कुशमोल इंटर कॉलेज के प्रबंधक बड़े भाई महिपाल शाही जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर राजेश सिंह जी, बड़े भाई मृत्युंजय सिंह जी, ककराखोर के सम्मानित प्रधान भाई रामकरण यादव जी, बड़े भाई हरिचंद सिंह जी, सेवाई के पूर्व प्रधान परम आदरणी गिरजे सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के उप सभापति आदर सिंह जी, भाई मेरे अनुज चंदमान सिंह चड्ढा जी, आदरणीय ओमकार नाथ दुबे जी और मेरे परिवार के अति प्रिय राजानाम त्रिपाठी जी, मेरे अनुज ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए सिकंदर यादव जी, विजय नारायण सिंह जी, सच्चिदानंद सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अनिल सिंह जी, विपिन विश्वकर्मा जी, शुभांकर यादव जी, भूपेंद्र सिंह जी और सभी यहां उपस्थित
अभिभावकगण, इस विद्यालय के सभी सम्मानित अध्यापक बंधु और सभी हमारी शिक्षिका बहनों, सामने बैठी हुई सभी सम्मानित, क्योंकि मैं मेरी उम्र हो गई है, मेरी बेटियों, अब आप लोग बेटी के श्रेणी में हो, भैया भैया लोग कहते, लेकिन जो सही बात है, एक उम्र हो गई हम लोग, अब पिता की श्रेणी में हम लोग हैं, एक अभिभावक के श्रेणी में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी तो सब जानती है, वो सब जानती है, इन्हीं के प्रयास से एक प्रयोगशाला बन गई, दूसरी प्रयोगशाला भी बन जाएगी, शिलान्यास हो गया है। प्रयोगशाला कितनी चाहिए? बहुत चाहिए, एक तो फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का, तीसरा बायोलॉजी का, चौथा कंप्यूटर का, पांचवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई है, छठवा कंप्यूटर का, इतनी प्रयोगशालाएं और इतनी प्रयोगशालाएं बनाने के लिए हमारे पास धन नहीं, हमारे पास धन नहीं है, क्योंकि हमें डिग्री कॉलेज चलाना है। संयोग देखिए, इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, देखिए ग्राम स्थलीय बालिका इंटर ग्रेजुएट कॉलेज अग्राखोर में आज जो है, जो कि पिपरोई ब्लॉक का एक गांव है, यहां पर आज विधायक निधि से मैंने विज्ञान कक्ष का शिलान्यास किया है। इससे पहले भी मैंने 2017 की 22 कार्यकाल में भी विज्ञान कक्ष का एक निर्माण कराया था, का लोकार्पण भी हो चुका है। यहाँ पर इतनी ज्यादा बच्चियां शिक्षा ग्रहण करती हैं, इस नाते जो हमारे मन में भाव आया कि हमने पिछली बार भी यहाँ पर बच्चियों के लिए विज्ञान प्रयोगशाला बनाया और ये लोग कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पर एक और विज्ञान प्रयोगशाला हम और बनवा दे रहे हैं, और आगे भी मैंने कहा है कि और हमारे जनप्रतिनिधि जो अच्छे हैं उनको बुला करके यहाँ पर विज्ञान प्रयोगशाला जो 5-6 की यहाँ जरूरत है, इस नाते जो है यहाँ बनवाने का प्रयास किया जाए। चूंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तरह से बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, बेटियों के प्रति जितनी जागरूकता इस सरकार में आई है, तो हम लोग तो एक अंश मात्र हैं उन लोगों के। हम लोग भी चाहते हैं कि बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि बेटी भी बच्चों के बराबर, इनको भी हक मिले। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के प्रयास से बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही, चाहे खेल के क्षेत्र में, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे भारत की सीमाओं की रक्षा करने के, आज हमारी बेटियां जो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, तो निश्चित है हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चियां आगे बढ़े और हम लोग जो कर सके अपने स्तर से उतना किया जाए। हम प्रबंधक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने मुझे बुलाया और जिस तरह से आप ये अभियान चला रहे हैं बेटियों के लिए, निश्चित है आप बधाई के पात्र है और मेरी भी जहां जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, ऐसा मैंने आश्वासन दिया।